आज का उपाय, आज मैं आपको एक मंत्र दूंगा जो आप एकादशी के दिन चलते फिरते तुलसी की माला से, एकादशी के दिन ईश्वर भगवान श्रीमन नारायण की आराधना है और आज जो भी आप मंत्र जपेंगे वह तुलसी की माला से जाप करना होगा। इस तरह माला जपते हैं, ये उंगली हमारी बाहर होती है, ये उंगली हमारी बाहर होती है, मध्यमा माला को खिसकाती है और आज आपको मंत्र जपना है। दिन भर मेरे संग बोलिए, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करें और इसे याद कर लें, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करेंगे निश्चित ही एकादशी का व्रत आपका सफल होगा और मन चाहा वर देती हैं माँ भगवती एकादशी। एकादशी प्राणी मात्र को करना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें एकादशी का उद्यापन करना है। एकादशी का आप उद्यापन करना चाहें, भोजन कराना चाहें, सबको कराइए, बुराई नहीं है, पर एकादशी का व्रत जो है वह करते करते ही जीवन पूरा करिए। एकादशी व्रत कभी ना छोड़िए, बुढ़ापे में भी ना छोड़िए, मरने के टाइम भी एकादशी होती रहे। हम खाने का मना कहाँ कर रहे हैं, फलाहार लीजिए, खूब प्रेम से फलाहार का आनंद लीजिए, परंतु आप एकादशी के दिन बस अन्न ना लीजिए, बस ये अन्न वर्जित है। और प्रेम पूर्वक मंत्र का जाप करें, भगवान की आराधना करें, वो पूरा दिन भगवान विष्णु को समर्पित कर दें, भगवान विष्णु को विष्णु की आराधना करें। कहते हैं इस दिन जो हम मंत्र जपते हैं, जो भी उपासना करते हैं, जो भी पूजा करते हैं वह सिद्ध हो जाती है। और यह सुंदर सी एकादशी है। एकादशी का एक अर्थ और है, एकादशी मतलब, एकादश मतलब ग्यारह, पांच ज्ञानेंद्री, पांच कर्मेंद्री और एक मन। ये जो हमारा एक मन है वह दसों इंद्रियों के ऊपर है, तो हमारा मन चंचल है, वो चंचल मन को हम एकादशी मतलब अपनी दसों इंद्रियों को, मन सहित दसों इंद्रियों को भगवान में लगाएं, यही एकादशी है। एकादश, दस इंद्रियां, एक मन, एकादश। तो ग्यारहों को हम भगवान के चरणों में, आंख प्रभु को देखें, कान प्रभु की कथा सुने, वाणी भगवान का गुणगान करें, हाथ भक्तों की सेवा में लगें, पांव मंदिर तक जाएं, धामों तक जाएं, और हमारा मन दिन भर भगवान श्रीमन्नारायण की आराधना उपासना में लगा रहे। इसी तरह आपकी एकादशी गुजरनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है एकादशी के दिन, आप बच्चों, थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएं तो बच्चों को एकादशी का व्रत कराना स्टार्ट करिए, बच्चों को तुलसी की माला पहनाना स्टार्ट करिए। आप भी तुलसी की माला जरूर अपने गले में धारण कीजिए, माथे पर तिलक धारण कीजिए और एकादशी के दिन कोशिश करिए कि आप यदि खुद की दुकान है, खुद का काम है, खुद का कारोबार है, घर पर रहते हैं तो पुरुष वर्ग धोती कुर्ता पहने, पैंट शर्ट उस दिन आप ना पहने। आप दफ्तर में हैं, ऑफिस में हैं तो ठीक है, आप जो चाहें ठीक हैं, पर कोशिश करें कि आप एकादशी के दिन या संडे के दिन आप भारत के पहनावे को अपनाएं, धोती कुर्ता पहनें और माथे पर तिलक लगाएं, गले में तुलसी की माला धारण करें, अपनी शिखा चोटी रखें, है ना, और हम ऐसा दिखें कि हम सुंदर, स्वच्छ, अच्छे भारतीय हैं। तो आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के देवी देवता, तो आज के देवता हैं भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु, विष्णु सर्वगुहाशय, भगवान सर्वत्र, भगवान विष्णु क्यों, जो व्यापक है उन्हें विष्णु कहते हैं। भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं, भगवान विष्णु को ही नारायण कहते हैं। भगवान विष्णु जब लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में लेटते हैं तो वह नारायण कहलाते हैं, जब वो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़े होते हैं तो वह विष्णु कहलाते हैं, जब वह भक्तों का दुख हरते हैं तो उनको हरि कहते हैं, वो हरि कहलाते हैं, जब वह त्रेता में अवतार लेते हैं तो वह राम कहलाते हैं और मर्यादा की स्थापना करते हैं। वही विष्णु जब द्वापर में भगवद गीता सुनाने आते हैं, अर्जुन के लिए पाप हरने के लिए आते हैं,
तो वही विष्णु भगवान श्री कृष्ण कहलाते हैं। वही विष्णु जब समुद्र मंथन होता है तो धन्वंतरी बनकर अमृत लेकर प्रकट हो जाते हैं। वही विष्णु जब प्रहलाद पर संकट आता है तो खंभे को चीर कर नृसिंह बनकर के प्रकट हो जाते हैं। यही अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, हमारे भगवान विष्णु के अनेक अवतार हैं। व्यापक विष्णु का अर्थ क्या है? जो व्यापक हैं, जो कण कण में है, घट घट में है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, वही भगवान विष्णु हैं। तो भगवान की व्यापकता सब में देखिए। आप जिसे देखिए भगवान मैं देखिए। जैसे आप घड़े को देखते हैं, आप कहते हैं कि भाई साहब जरा एक घड़ा देना, आप कहते हैं ये घड़ा है, पर वो घड़ा नहीं है, वो मिट्टी है। मिट्टी की एक आकृति को आप घड़ा नाम देते हैं। है तो मिट्टी, मिट्टी हटा दो तो घड़ा में बचेगा क्या? मिट्टी ही घड़ा है, पर व्यवहार में घड़ा कहते हैं, कोई माटी नहीं कहता कि भाई साहब जरा एक माटी देना, नहीं, घड़ा देना। तो व्यवहार में उसे घड़ा कहा जाएगा, पर तत्व की दृष्टि में है तो वो माटी। उसी तरह व्यवहार में कहा जाता है जगत, व्यवहार में कहा जाता है संसार, पर यथार्थ तत्व की दृष्टि में वो हैं भगवान विष्णु ही। संसार के रूप में कौन है? भगवान श्रीमन्नारायण। भगवान विष्णु ही व्यापक अर्थ में है, व्यापक रूप में है। तो जैसे मिट्टी ही समाई है घड़े में, गोल्ड ही समाया है आभूषण में, उसी तरह भगवान ही समाए हैं कण कण में। तो कण कण में उस ईश्वर को देखने का प्रयास करें, अपनी माता में, अपने पिता में, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में, अपने पति में, जीव मात्र में, कुत्ता बिल्ली, प्रत्येक जीव में उस भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए। हम सनातनी लोग कितने अच्छे हैं कि हम कण कण में ईश्वर को देखते हैं। हम तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं, सबकी तो पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सनातनी ही हैं जो अपने ईश्वर को सब में देखते हैं। सी राम मैं सब जग जानी। हमारी बुद्धि का विकास कितना हो चुका था और कितना है कि हम अपने ईश्वर को एक मंदिर तक सीमित नहीं रखते। जहाँ नजर जाए वहाँ भगवान का दर्शन है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे दही के कणकण में मक्खन तो है, पर प्रकट करने के लिए मंथन चाहिए, उसी तरह भगवान की व्यापकता सब में तो है, प्रकट करने के लिए भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले यजो जान निहारा। राधे राधे।